नमस्कार दोस्तों, मैं दिब्यंदु मंडल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल का सिग्नल बनाया है उसी का थ्रू मैं आप लोगों को रेगुलर व्यू देता हूँ। तो वो कल के लिए मतलब 27 दिसंबर 2019 के लिए मैंने जो स्टॉक्स चुना है तो उसको मैंने आप लोगों को दिखाऊंगा। इसमें इक्विटी और कमोडिटी का दिखाऊँगा, इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर्स का लेवल दिखाऊंगा इसमें, और इनसाइड द बट जो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी जो कल के लिए जो सिनेरियो बना है वन डे टू डे आप लोग को मेरा इनसाइड द बट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी विद NR7 वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिए। उसमें भी क्या क्या कौन सा स्टॉक्स में सिनेरियो बना है वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए, और ये जो स्ट्रेटेजी है बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें तो आप लोग ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को ये जो वायसल सिग्नल का मैंने व्यू देता हूँ रेगुलर बेसिस पे वो आप लोग को मिल जाएगा, और निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू देता हूँ वो भी मिल जाएगा, और बहुत सारा स्ट्रैटेजी सेटअप चार्ट सेटअप बना के रखा हूँ जो आप लोग को स्टॉक मार्केट में काम करने का आसान कर देगा और बहुत ही आसानी से आप लोग प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो देखते हैं आज, और आप लोग ये वीडियो आप लोग मेरा पिछले वाला वीडियो देख लीजिए जिसमें बाइसेल लेवल क्या क्या रहता है कैसे स्क्रीनिंग किया जा सकता है, वो मेरा पिछले वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो इसमें मैंने ब्रीफली तो भी बोल देता हूँ, मेरे बाइसेल लेवल कम स्क्रीनर में मैंने बाइसेल लेवल 1 बाइसेल लेवल 2 और बाइसेल लेवल 3 रखा है, और वोलेटिलिटी डिलीवरी परसेंटेज चेंज इन प्राइस चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और EMA का क्रॉस ओवर ये सब बोलिंजर बैंड इसमें कुक आउट प्राइस चैनल टीनल लेवल ये सब मैंने देखे आप लोग स्क्रीन कर सकते हैं। उसके बाद कोई भी पैसे लेवल आप लोग देख सकते हैं, इसमें वैसे लेवल जो ये जो सीट है वैसे लेवल का 3 कम स्क्रीन आर 2 इसमें वैसे लेवल 3 रहता है जो जिसको मैंने अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड ये मेरा मोस्ट रिकमेंडेड वैसे लेवल है वैसे लेवल 3। इसमें अप ट्रेंड का वैसे लेवल रखा और डाउन ट्रेंड का वैसे लेवल रखा, अप ट्रेंड का अप ट्रेंड अभी ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप ट्रेंड जब 3300 के नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, अप डाउन ट्रेंड जब और भी नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब 3300 के नीचे जाएगा तो ऊपर जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा वो इधर से आप लोग को पता चल जाएगा, और कौन सा लेवल में कौन सा स्टॉक्स है ये भी इधर से आप लोग को क्लियरली दिख जाएगा, और इधर से आप लोग स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं 530 EMA क्रॉस ओवर देखिए, और इधर 955 150 ये सब 20 EMA का 30 EMA का क्रॉस ओवर दिया हुआ है, ये भी आप लोग एक बार स्क्रीनिंग करके आप लोग अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड को सेट कर लेंगे तो उसके बाद ऑनली अप ट्रेंड का बाइसल लेवल देखेंगे या डाउन ट्रेंड का बाइसल लेवल देखेंगे। तो ये सबसे सेफेस्ट लेवल है, और ये बाइसल लेवल 3 को मैंने अलग से फाइल बनाया है, उधर एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया, ओनली इसमें 534 EMA क्रॉस ओवर रखा है और प्रीवियस कोर्स का हिसाब से एक स्क्रीनिंग का इंतजाम रखा है। तो इसके तो देखते हैं आज का जो है वो आप लोग को दिखाऊंगा, तो उसमें देखते हैं देखिए बाइसेल लेवल 1 इसके लिए स्टॉक्स चुना है, तो इसमें बाइसेल लेवल 1 में बाइक का एंट्री लेवल बीच में रहता है टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ रहता है, और सेल बिलो लेवल बीच में रहेगा टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ रहता है, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ रहता है, और इसमें गैप और कोई भी लेवल पे बाइसेल लेवल 1 2 3 कोई भी लेवल पे आप लोग काम करेंगे तो आप लोग को गैप अप और गैप डाउन कंसीडर कर लेना है। मार्केट ओपन होने के बाद स्टॉक्स ओपन होने के बाद कौन सा लेवल पे वो स्टॉक्स है उसको आप लोग को देख लेना है, सोच लीजिए 492.38 और 493 सोच लीजिए 492.70 में ओपन हुआ तो उसमें आप लोग को एंट्री लेना है, उसके 493.25 फर्स्ट टारगेट मिलेगा, उसके बाद सेकेंड टारगेट मिलेगा, आप लोग इसके ऊपर भी एंट्री ले सकता है तो इस ये टारगेट के लिए, और ये स्टॉप लॉस रह जाएगा। सेल का साइड में भी ऐसा करना है, आप लोग मेरा बाइसेल लेवल का परफॉर्मेंस जो पहला जो मैंने रेगुलर ये बाइसेल लेवल देने के बाद मैं मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे फिर सभी शॉर्ट्स का ग्रुप है जो जिसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा मेरा यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन में, उसमें मैंने जो पूरा फाइल शेयर कर देता हूँ, इसमें 150 का इतना स्टॉक्स है, निफ्टी बैंक निफ्टी का स्टॉक रहता है और कमोडिटी का स्टॉक्स रहता है, उसका आप लोग फ्री ट्रायल के लिए ज्वाइन हो सकता है,
और जो वाइसल लेवल का परफॉर्मेंस मैंने जो दिखा था हूँ, तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस का वाला वीडियो जो मैंने देता हूँ रेगुलर बेसिस पे, उस फाइल शेयर करने के बाद तो उसको उसमें आप लोग को क्लियरली पता चल जाएगा कि कैसे इसमें काम करना है। कौन सा मैंने चार्ट में दिखाता हूँ कौन सा लेवल पे ओपन हुआ है, उसके बाद कैसे आप लोग एंट्री ले सकते थे और कैसे आप लोग को प्रॉफिट होता था, तो वो आप लोग देख लेंगे तो आप लोग को और भी क्लियर हो जाएगा ये फाइल को कैसे यूज़ करना है। ये है वाइसल लेवल 3 और इसमें पिवट पॉइंट का लेवल आप लोग नोट कर सकते हैं, वो भी एंट्री पॉइंट हो सकता है, बोइंग जवान का अप डाउन मिडिल बैंड को नोट कर सकते हैं, प्राइस चैनल का अपर बैंड मिड बैंड और लोअर बैंड को आप लोग नोट कर सकते हैं, वो भी एंट्री लेवल हो सकता है, ट्रेड का एंट्री लेवल हो सकता है, वाइसल लेवल का एंट्री लेवल हो सकता है और टीरम लेवल को भी आप लोग नोट कर सकता है, टॉप लाइन मिडिल लाइन और बॉटम लाइन का। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ, निफ्टी और बैंक निफ्टी को मैंने दिखाऊंगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी का ये फ्यूचर्स है और ये इंडेक्स है, तो इसका बाई सेल लेवल 1 था। आप लोग जरा नोट पॉज करके देख लीजिए क्योंकि मैंने उधर देखिए इनसाइड डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कौन सा सिनेरियो बना है वो भी आप लोग को दिखाना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ, फास्ट दिखा गया दे रहा हूँ। उसके बाद कमोडिटी का लेवल दिखा था, कमोडिटी का वैसल लेवल 1, उसके बाद वैसल लेवल 2, उसके बाद वैसल लेवल 3 आएगा, वैसल लेवल 3 या वैसल लेवल इसका R1 बाई का एंट्री लेवल है, इस वन भी सेल का एंट्री लेवल है, इसको भी आप लोग बोलिंग जापान प्राइस चैनल टिकल लेवल का नोट कर सकता है क्योंकि ये भी आप लोग को अच्छा एंट्री पॉइंट होता है। हम लोग ये सब देख के स्क्रीनिंग करके उसका इसमें जो बाइसल लेवल को इस्तेमाल करेंगे और या आप लोग या तो आप लोग इनसाइड डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इस्तेमाल करेंगे तो आप लोग को 95% की एक्यूरेसी के ऊपर आप लोग को प्रॉफिट जरूर आएगा। और इसको दिखाएगा मैं कुछ कमोडिटी का सॉरी फ्यूचर्स का लेवल दिखा देता हूँ, मैं वैसे लेवल 1 ही दिखाता हूँ, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं इंसेंट डबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, देखिए क्या क्या इसमें आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें देखिए इंसेंट डबल 1 डे 2 डे और NR7 जो है और 15 मिनट का तो लाइव मार्केट में अपडेट करना है आप लोग समझ ही सकता है। 15 मिनट का मेरा ये जो स्ट्रेटजी का जो वीडियो है उसका वो आप लोग जरूर देखेंगे, ये यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ये वो भी आप लोग को मिल जाएगा, देखिए आप लोग नोट कीजिए प्लीज़। और इनसाइड द बार जो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है देखिए इसमें जो है BPCL 1 डे में 1 डे का जो इनसाइड द बार ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है 1 डे का हिसाब से इसका वैसा लेवल आया है, तो 1 डे का जो है उसका आप लोग देख सकते हैं, 1 डे का देखिए 1 डे का हाई लो ब्रेक BPCL का जो 1 डे का है BPCL का 1 डे का जो हाई लो है ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको ब्रेक होने के बाद ये जो हाई लो है ये ब्रेक होने के बाद ही आप लोग को एंट्री लेना है, ये जो हाई लेवल है हाई लो लेवल है करेंट क्लोजिंग है ये इतना करेंट डे का क्लोज है ऐसा। तो उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ ये है DLF, ये है DLF 2 डेज का हिसाब से इसका सिनेरियो बना है, तो 2 डेज का जो डे 2 में है इधर इधर आप लोग को डे 1 मिलेगा और इधर आप लोग को डे 2 मिलेगा, तो यही लेके मोस्टली आप लोग को काम करना है। जो डे 2 का जो लेवल आया है 2 दिखा रहा है तो इसका डे 2 का जो हाई और लो लेवल है ये आप लोग नोट कर लीजिए DLF का, इस ए ब्रेक होने के बाद आप लोग बाई या सेल लेवल ले सकते हैं और करंट क्लोजिंग भी आप लोग देख सकते हैं ऐसे है, तो इसका ये जब इसका ये नीचे आएगा तो आप लोग को एंट्री पे भी बनेगा। इधर आइसर मोटर है, आइसर मोटर का जो 1 डे का जो है और NR7 है 1 डे हो और NR7 हो उसमें 1 डे का ही हाई लो ब्रेक करना है
वन डे का जो एस आई मोटर का आप लोग नोट कर लीजिए, एस आई मोटर एंड वन डे का होगा।